ये लीजिए, आप आज ये शर्ट पहन के जाइए, बहुत अच्छी लगती है आपको। थैंक यू। अच्छा आपको पता है क्या, मोहल्ले में फैशन शो है। अरे वाह, तब तो तुम ही जीतोगी। अरे नहीं नहीं, पगला कहे हैं क्या, मैं क्यों जीतूंगी, मैं कोई हिस्सा नहीं लेने वाली उसमें। क्यों? वहाँ पर मोहल्ले की सारी सुंदर सुंदर औरतें आएंगी तो, और उनके सामने मेरा क्या मुकाबला है? बॉबी, तुम सुंदर हो, है ना? मेरी बॉबी सुंदर। वहाँ किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अपने आप से ही बात कर रहा था। आप भगवान दास? मेरी बॉबी सुंदर है ना? भगवान दास, हमने तो हर मनुष्य को सुंदर बनाया, किसी ना किसी प्रकार की सुंदरता सभी में होती। देखा, आईने वाले भगवान दास भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम सुंदर हो और तुम इस फैशन शो में हिस्सा लोगी। अरे नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी बॉबी बेटा तुम सोच लोगी तो लोग क्या सोचेंगे? देखो बॉबी, दूसरों के डर से अपने मन को नहीं मारना चाहिए। और मुझे पता है तुम्हारी इच्छा है फैशन शो में हिस्सा लेने की, है ना? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं। क्या नहीं नहीं? अच्छा ये समझ लो कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर रही हो। सच? आप मेरे साथ है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपको मुझ पे शक है मिसेस चौबे? अरे नहीं, क्या आप भी? अब हम सब ना साथ में रैंप वॉक करते हैं। चल। हाँ। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चल के इनको दवाई लगाते हैं। क्या हुआ? मुझे इस फैशन शो में हिस्सा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर हार गई ना तो मोहल्ले वाले हंसेंगे मुझ पे, और अगर जीत गई तो कहेंगे कि पापा जी की बहू बेटा हूँ ना, इसीलिए उन्होंने मुझे जिताया है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं कहेगा बॉबी। कहेंगे, सब कहेंगे। जब अपने ही कह रहे हैं तो दूसरे तो कहेंगे ही ना। मतलब बेबी आज ताना मार के गई है मुझे। बॉबी के ससुर जी इस कॉम्पिटिशन के जज, वो तो इसी को जिताएंगे। उसने जानबूझ के नहीं कहा होगा, गुस्से में निकल गई होगी बात। तो क्या गुस्से में लोग रिश्ते भूल जाते हैं, दोस्ती भूल जाते हैं क्या? नहीं बॉबी। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम आपका कुत्ता गली के फैशन शो में हार्दिक स्वागत करते हैं, और हम आपके इकलौते एंकर बटलाल। तो आइए इसी बात पे हमारे जजेस का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो हमारे माननीय जजेस हैं श्री आत्माराम चौबे जी और श्री लविश गौर जी। क्या बात है, तालियां तालियां, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मिस काव्या राजपूत जी। तो अब मैं अपने जजेस से गुजारिश करूंगा, कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद जी, बहुत अच्छे, तालियां तालियां तालियां। तो दिल थाम के बैठिए, हमारा फर्स्ट राउंड शुरू होता है, डांस कॉम्पिटिशन। तो हम जजेस से अनुरोध करते हैं, कृपया करके स्टेज पे आए और अपने रिजल्ट अनाउंस करें। कुत्ता गली फैशन
कंपटीशन के रिजल्ट्स मेरे सहयोगियों के साथ मेरे पास थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि आप लोगों के मन में एक जीतने के लिए बड़ा टेंशन था। मैं ही जीतूंगी इस बात का गुरूर था, और ये आपके चेहरे पर, आपके प्रदर्शन पर, आपके परफॉर्मेंस से साफ साफ झलक रहा था। हमारे सहयोगियों समेत मेरा अपना मानना यह है कि सुंदरता मन की होती है, तन की नहीं। इंटेलिजेंट वो नहीं है जो किसी भी काम को अच्छी तरह से कर दे, बल्कि इंटेलिजेंट वो है जो किसी भी काम को दिल से करे। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इस कॉम्पिटिशन की विनर यानी कि लेडी ऑफ कुत्ता वाली गली चुनी गई हैं। लाली मिश्रा, ये ट्रॉफी जीतकर आपको कैसा लग रहा है? आप खुश तो है ना? हम सच बताएं तो आज ये ट्रॉफी जीत के हमको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। वो क्या है ना कि ये खुशी बांटने के लिए हमारी सहेलियां हमारे साथ है ही नहीं। इस मुई ट्रॉफी के चक्कर में सबके सब एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी है। जरा हम भी तो देखें कि इस ट्रॉफी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सालों की दोस्ती, रिश्ते, नाते सब खत्म हो गए। ये ट्रॉफी तो हमारे पास है, लेकिन हमारी सारी सहेलियां हमसे दूर जा चुकी हैं। सारी नहीं मिसेस मिश्रा, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। छोड़ो ना यार, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कॉन्टेस्ट तो एक मस्ती और मजा के लिए था ना, और तुम लोगों ने इसको एक सजा बना लिया। वही तो, इतने दिन हमने कैसे बिताए वो तो हम ही जानते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं मिश्राइन। हम भी साथ हैं। मैं भी आमी हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम लोग सब सच में हमारे साथ हो तो आज ये ट्रॉफी हम सब साथ मिलके लेंगे और हम